पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है। डॉक्टर मिश्रा ने बड़ी विचित्र स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्री कह रहे हैं सरकार कोई और चला रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार मैं चला रहा, वहीं सुपर सीएम पत्र से जवाब मांग रहे हैं। दरअसल इस सरकार को भगवान चला रहा है। मंत्री विधायकों पर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। अवैध उत्खनन पर भी मंत्री और विधायकों में बयानबाजी जारी है। पूरे प्रदेश में माइनिंग की लूट हो रही है, जिसे संरक्षण सरकार का मिला हुआ है। वहीं मंत्री उमंग सिंघार मामले पर शायराना अंदाज में कहा, नए नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा कार हम चलाएंगे, ड्राइवर ने कहा हम उतर जाएंगे, चलाकर तो देखिए हुजूर तबीयत हिल जाएगी, ये कार गाड़ी है कोई सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। बड़ी विचित्र स्थिति इस समय मध्य प्रदेश की बनी हुई है। मंत्री कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं चला रहा हूं, कह नहीं पा रहे हैं पर कह रहे हैं कि मैं चला रहा हूं। सुपर सीएम पत्र लिख के हिसाब किताब मांग रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि ये सरकार को तो भगवान ही चला रहा है, कोई धनी धोरू नहीं है। मुझे किसी कवि की वो पंक्तियां याद आती हैं, हास्य व्यंग का कोई कवि था, नए नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी हम चलाएंगे, ड्राइवर ने कहा कि हम उतर जाएंगे, चलाकर तो देखिए हुजूर तबीयत हिल जाएगी, ये गाड़ी है सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। मंत्री विधायकों पर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, इनमें आपस में संवादहीनता की स्थिति है। दरअसल इसलिए पत्र बार बार एक दूसरे को लिखना पड़ रहे हैं, इन एक दूसरे से बात करने में इनको परहेज होता है, कांग्रेसी की संस्कृति है, तो इसलिए पत्र के माध्यम से ये संवाद स्थापित करते हैं।